चश्मा पहनने वाले ज्यादातर लोगों को लेसिक लेजर के बारे में पता होता है। लेसिक लेजर सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लेसिक लेजर के लिए सिर्फ 60-70% लोग ही एलिजिबल होते हैं। तो जिन लोगों की आंखें लेसिक के लिए फिट नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए उससे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें आंखों में लेजर ना लगा के आंखों में लेंस डालकर चश्मा हटाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को मोस्ट पॉपुलरली ICL सर्जरी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये ICL सर्जरी है क्या और ऐसे क्या आई कंडीशंस हैं जिनमें लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके लेंस डालकर चश्मा हटाने की जरूरत पड़ती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि लेसिक टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ICL की फुल फॉर्म होती है इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। कोलैमर यहाँ पे मटेरियल का नाम है जिससे ये लेंसेज बने होते हैं। कोलैमर एक हाईली बायो कंपेटिबल मटेरियल है। इसका मतलब है कि ये हमारे आंखों के टिश्यूज के साथ बिल्कुल कंपेटिबल होता है और ये हमारी आंखों में सालों साल रह सकता है बिना कोई एडवर्स रिएक्शन करे। ICL लेंसेज को हम फेकिक IOL यानी फेकिक इंट्रा ऑक्युलर लेंस भी बोलते हैं। ICL को IPCL भी बोला जाता है। IPCL अगेन स्टैंड्स फॉर आई फेकिक कॉन्टेक्ट लेंसेज। आंखों में लेंस डालकर चश्मा हटाने की सर्जरी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। जिस तरीके से कॉन्टेक्ट लेंसेज टेम्पररी हमारा चश्मा हटा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ICL लेंस आंखों में परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे आपका चश्मा हट जाता है और ये लेंस आयरिस के पीछे इम्प्लांट किया जाता है। इसकी वजह से किसी भी सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता लगता कि आपने कोई सर्जरी करवा रखी या कोई लेंस आंख में डलवा रखे, और उसके साथ साथ आपको भी कभी ये फील नहीं होगा कि आपकी आंखों में कोई लेंस डला हुआ है। तो जैसा कि अभी तक हमने समझा कि ICL टेक्नोलॉजी में लेंस डालकर चश्मा हटाया जाता है, तो लेंस की क्वालिटी और लेंस के ब्रांड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी विजुअल आउटकम कैसी होगी। तो हम थोड़ा सा ICL लेंसेज के ब्रांड्स और क्वालिटीज के बारे में समझ लेते हैं। ICL लेंसेज की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है स्टार सर्जिकल्स, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और वहां के ICL USFDA अप्रूव्ड है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार सर्जिकल कंपनी के ICL को इस्तेमाल किया जाता है, पर अब इंडिया में भी ICL लेंसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। इंडियन ब्रांड्स में सबसे पॉपुलर ब्रांड है बायोटेक। ICL सर्जरी ऑप्थमोलॉजी के फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, क्योंकि जो इसमें चश्मा हटाने की जो करेक्शन रेंज है वो लेसिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि ICL की करेक्शन रेंज क्या है। तो सबसे पहले ICL तीन टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक कर सकता है। पहला रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया, यानी जिन लोगों को दूर की नजर का चश्मा लगा हुआ है, जिनका चश्मे का नंबर माइनस में होता है, तो -1 से लेकर -27 तक के नंबर हम ICL टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। जो स्टार सर्जिकल कंपनी है वो -1 से लेके -18 तक के लेंस ही मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपका नंबर 18 से 27 के बीच में है तो फिर आपकी आंखों में स्टार सर्जिकल का लेंस नहीं डल सकता, आप बायोटेक या फिर मेडेनियम के लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टाइप का रिफ्रेक्टिव एरर जो ICL ठीक कर सकते हैं वो है हाइप्रोपिया, जिसमें लोगों की पास की नजर कमजोर होती है और उनके चश्मे का नंबर को हम प्लस में डिनोट करते हैं, तो ICL टेक्नोलॉजी से हम +1 से लेके +7 तक की पावर्स को ठीक कर सकते हैं। तीसरा टाइप का जो रिफ्रेक्टिव एरर है जो ICL ठीक कर सकता है वो है एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म का मतलब होता है आंखों में सिलिंड्रिकल नंबर भी होना। ICL से -6 सिलिंड्रिकल पावर तक हम ठीक कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो अगर आप इंडियन ब्रांड के लेंसेज डलवाते हैं तो आपको एक आंख की कॉस्ट है वो 40,000 से 50,000 रुपए पड़ती है। वहीं आप फॉरेन ब्रांड्स के लिए जाएंगे, जैसे स्टार सर्जिकल्स जो कि पॉपुलर ब्रांड है, तो उस केस में आपको 70,000 to 80,000 रुपीज पर आई का आपको खर्चा आ सकता है ICL में। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, जो कि शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी आई कंडीशंस हैं जिनमें लेजर सर्जरी को प्रेफरेंस ना देके डॉक्टर्स ICL सर्जरी यानी आंखों में लेंस डालकर सर्जरी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है कि लेजर सर्जरी का सारा प्रोसेस आपकी आंख के सबसे बाहर वाली परत यानी कॉर्निया के ऊपर होता है, तो कॉर्निया का हेल्दी होना और कॉर्निया का थिक होना बहुत जरूरी है लेजर सर्जरी के लिए फिट होने के लिए। ऐसे लोग जिनकी आंखों की कॉर्निया की मोटाई यूजुअल से या फिर एवरेज से कम है, तो उन केसेस में हम लेजर सर्जरी का इस्तेमाल ना करके ICL सर्जरी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि लेजर सर्जरी में चश्मा हटाने के लिए कॉर्निया की शेप को हल्का सा चेंज करना पड़ता है और वो शेप चेंज करने के लिए हमें कुछ कॉर्नियल टिश्यूज को रिमूव करना पड़ता है।
तो अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस पहले ही कम है तो हम उसमें से और कॉर्नियल टिश्यूज नहीं निकाल सकते हैं, वो आपकी आंखों के लिए सेफ नहीं रहेगा। अब दूसरी कंडीशन, आपकी कॉर्निया की थिकनेस के साथ साथ आपके कॉर्निया में कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका कॉर्निया इरेगुलर है, यानी आपकी आंखों का सिलेंड्रिकल नंबर बहुत ज्यादा है, इस कंडीशन को हम केराटोकोनस भी बोलते हैं, जिसमें आंखों की कॉर्निया की शेप कोनिकल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जहां पे कॉर्निया अनहेल्दी है, उन केसेस में हम कॉर्निया के ऊपर लेजर नहीं डाल सकते। इन केसेस में फिर हम अगेन आईसीएल का इस्तेमाल करके चश्मा हटाते हैं। हमें यह भी पता है कि लेजर सर्जरी का एक ऑब्वियस साइड इफेक्ट है कि आपकी आंखों में 2 से 3 महीने टेम्परेरी ड्राइनेस रहती है, और इसका कारण ये होता है कि जब हम आपकी कॉर्निया की शेप को चेंज कर रहे होते हैं तो कुछ कॉर्नियल नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों में आंसुओं का बनना थोड़ा कम हो जाता है कुछ समय के लिए। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन लेजर सर्जरी कराता है तो उसको माइल्ड ड्राइनेस रहती है 2 से 3 महीने, और वो इजीली मैनेज हो जाती है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स की मदद से। लेकिन वहीं एक ऐसा कैंडिडेट है जिनकी आंखें पहले ही सूखी हैं, यानी उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम पहले से ही है, उनकी आंखों में पहले से ही कम आंसू बनते हैं, तो ऐसे में अगर वो लेजर सर्जरी कराते हैं तो उनकी ड्राइनेस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स वगैरह से मैनेज नहीं हो पाएगी। तो तीसरी कंडीशन है कि अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस है तो लेसिक एक बेटर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, आपके लिए बेटर ऑप्शन है आईसीएल। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेजर सर्जरी से चश्मा हटाने की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि उनकी करेक्शन रेंज बहुत नैरो है। हम बहुत ज्यादा हाई पावर्स को लेजर की मदद से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेजर सर्जरी से चश्मा हटाने के लिए आपकी कॉर्निया की शेप चेंज करनी होती है, उसके लिए आपके कॉर्नियल टिश्यूज रिमूव होंगे। एक डायप्टर के नंबर को ठीक करने के लिए कम से कम 15 से 20 माइक्रोन्स का कॉर्नियल टिश्यू निकाला जाता है। अगर हम हेल्दी से हेल्दी कॉर्निया के ऊपर भी लेजर सर्जरी चलाते हैं तो -7 या -8 नंबर को ठीक करने में ही बहुत कॉर्निया निकल जाता है आंख से, और उससे ज्यादा कॉर्नियल टिश्यूज को निकालना आपकी आंखों के लिए सेफ नहीं होता। इसीलिए लेजर सर्जरीज में सिर्फ -7 या -8 तक के नंबर ठीक किए जाते हैं मायोपिया के केस में, और अगर आपकी प्लस में पावर है तो सिर्फ आपके +5 तक की पावर से ठीक होती है। लेकिन यहाँ पे आईसीएल आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि अगर आपकी पावर -8 से -27 तक भी है तो बिना कॉर्निया को टच करे हम आपकी आंखों में लेंस डालकर आपका -27 तक का भी नंबर हटा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है आईसीएल लेंसेज की कि एक बहुत वाइड रेंज प्रोवाइड करते हैं करेक्शंस के लिए। इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा मैं इस वीडियो का, जिसमें मैं मेनली ये डिस्कस करूंगा कि अगर आप लेसिक और आईसीएल दोनों के लिए ही फिट है तो फिर आपको कौन सी सर्जरी चूज करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।